केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव। बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला, युवाओं पर रहा। केंद्र की गठबंधन सरकार ने सहयोगी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया। बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा पर्यटन स्थल के रूप में इसे बढ़ावा मिलेगा। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे को मंजूरी। राज्य में हाईवे विकास के लिए 26,000 करोड़ आवंटन। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के लिए खुला खजाना। बजट में राज्य को 15,000 करोड़ का ऐलान। बजट में युवाओं को विशेष सौगात। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने पर 15,000 रुपए की मदद। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1,52,00,000 रुपए दिए हैं। पिछले साल 1,25,00,000 रुपए दिए गए थे। मौजूदा बजट में एमएसपी पर नहीं हुआ कोई ऐलान। किसान सम्मान निधि की राशि भी 6,000 बरकरार रखी गई। 32 फसलों की 109 नई किस्में तैयार करने का ऐलान हुआ। रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। रक्षा मंत्रालय के लिए 6,22,000 करोड़ का आवंटन, जबकि रेल मंत्रालय को 2,62,000 करोड़ आवंटित किए गए। बजट में 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। मोबाइल फोन, सोना चांदी, कैंसर की दवाएं, उपकरण के साथ जूते, चमड़े के सामान सस्ते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को बताया नई दिशा देने वाला। पीएम ने कहा टैक्स बदलाव से मिडिल क्लास को फायदा होगा। गठबंधन सरकार के बजट पर विपक्ष का करारा वार। राहुल गांधी ने कहा ये कुर्सी बचाव वाला बजट। राहुल ने कहा अन्य राज्यों की कीमतों पर सहयोगियों को खुश करने की कोशिश। बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। खड़गे ने कहा ये सरकार बचाव बजट है, मोदी सरकार का नकलची बजट है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। किसानों, युवाओं के लिए पक्की नौकरी का अभाव बताया। हालांकि अखिलेश ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बजट को जनविरोधी, दिशाहीन बताया। ममता ने कहा इसमें कोई विजन नहीं, राजनीतिक पक्षपातपूर्ण बजट करार दिया। बिहार के लिए बजट में विशेष पैकेज के ऐलान का सीएम नीतीश ने स्वागत किया। अतिरिक्त आवंटन से राज्य में विकास में मदद मिलेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजट में बिहार को मिले पैकेज को झुंझुना करार दिया। बजट पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने नौकरी दी कितनी। आप सांसद संजय सिंह बजट को निराशाजनक करार करते उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी पर फिर धोखा दिया गया। अग्निवीर योजना वापस लेने पर भी सरकार ने चुप्पी साधी। बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। बजट के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु की डीएमके, झारखंड की जेएमएम सरकार ने भी बैठक में दूरी बनाए रखने का ऐलान किया। नीति आयोग की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के कदम पर सस्पेंस बरकरार। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से अलग बैठक में शामिल हो सकती हैं ममता। दिल्ली एम्स में मंगलवार रात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एडमिट किए गए। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए लालू। मंगलवार को पेश आम बजट के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का विरोध। संसद के बाहर प्रदर्शन करेगा पूरा विपक्ष। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किसान नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। एसकेएम और किसान मजदूर संघ के नेता एमएसपी सहित अन्य मांगों पर राहुल से मांगेंगे समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दायर याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की नीट यूजी परीक्षा पर दिए फैसले का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। परीक्षा को लेकर भ्रम फैलाने और छात्रों को उकसाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के पुनर्गठन के लिए कमेटी गठित करने का भी ऐलान किया। कहा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हर एक शख्स पर कड़ी कार्रवाई होगी।
नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का दोबारा परीक्षा कराए जाने से इनकार, पेपर की सिस्टमैटिक लीक के आरोप को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में जख्मी जवान हुआ शहीद, मंगलवार तड़के एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के दौरान जख्मी हुए थे सुभाष चंद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से दौड़ेगी भूमिगत मेट्रो, आरे कॉलोनी से कफ परेड तक 33.5 किलोमीटर की तय करेगी दूरी। मंगलवार को लोकसभा में पेश पूर्ण बजट पर आज होगी चर्चा, लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय तय। यूपी में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान के लिए मेल मुलाकातों का दौर जारी है, मंगलवार को निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केपी मौर्य से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ आज दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ में कथित खराब कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान गिरा, मलबे में 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, कथुली थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में 2 कांवड़ी जख्मी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 9 महिलाएं सहित 20 लोग गिरफ्तार। करगिल विजय की 25 जुलाई को रजत जयंती समारोह की जोर शोर से तैयारी, जम्मू कश्मीर के द्रास में होगा कार्यक्रम। यूपी में नोएडा पुलिस ने 2 लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके माता पिता को सौंपा, पुलिस ने दोनों लापता बच्चों को 3 घंटों के अंदर ढूंढ निकाला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से किनारा करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन आज देंगे पहला भाषण, ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में बड़ा एक्शन, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस प्रमुख ने दिया पद से इस्तीफा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिकी कांग्रेस को करेंगे संबोधित, इसराइल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है।